हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डाउट आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एंड वी आर गोइंग टू हैव अ जर्नी भाई कैलाश मानसरोवर कौन नहीं जाना चाहता आई डोंट नो कि आपका क्या उद्देश्य है वहां जाने के पीछे आपकी क्या फीलिंग्स है बट यहां हम जाएंगे इस चैप्टर में टू द सिल्क रोड Yes, and जो Silk Road है, उसका लास्ट डेस्टिनेशन है so, कि जब आप जाते हैं, तरफ जाते हैं, तो क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है आपने बहुत लोगों से सुना जरूर से होगा जो लोग जाते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है उनका एक प्रॉपर वेट और वो सारी चीजें देखने को पड़ती है लेकिन अगर आपको पता चले कि वॉट आर दर्डल बीन फेस्ड बा

अब देखो मैं दो आपको पिक्चर्स बताऊंगी एक तो ये पिक्चर है जो आपको हमेशा लाइक अपने तरफ खींचती है अट्रैक्ट करती है दैट वी रियली वांट टू गो हियर एंड इट्स अ ड्रीम कम ऑफ एवरी इंडियन ओके हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक बार तो यहाँ पे जा करके उसे आ, फील करना चाहता है नाउ दिस इज द सेम पिक्चर हियर विच यू कैंट रिलेट इट मोर बट यू नो द नेचुरल स्केच दैट मीन्स द ओरिजिनल स्केच ऑफ माउंट इज दिस ओनली ये है माउंट कैलाश और इसको मैंने आपको अच्छे से बताने के लिए हेयर आई है like this so you can relate it and after having this picture in your mind you can have the glimpses every time when i tell about you in this chapter so let's get started with the author sabse pehle jab hum author ki baat karte hain author name is mick middleton okay author kon hai mick middleton hai as i have placed a picture here jahan pe ye kahan li gayi hai ye inhe ke isi journey pe silk road wali journey pe hi inhone ye picture li thi aur wahi picture yahan pe laayi hai to aapko yaad rakhna hai mr nick और ये इनकी क्या है एक तरीके से

रिमेंबर गोइंग टू एक्सट्रीम्स बट कुछ भी हो ये वाला पार्ट तो आपको याद रखना है बाकी सारे चलो आप भूल जाओ ओके अवार्ड ऑल्सो ही हैड रिसीव मेनी अवार्ड उनमें से एक है द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी ने अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिस्टर निक की तो मिस्टर निक इज लाइक अक वैंडर अ ट्रैवलर लाइक वैंडर तो फिर भी मैं uh, अच्छा इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड बट ही इज अ ट्रैवलर जो पर्सन जो ज्योग्राफिकली वास्ट और वाइड अपने एक्सपीरियंसिस को करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू रियलाइज एंड दे वॉन्ट टू बिलीव एंड दे हैव दट जस्ट कि उनको अपना लाइफ में ये सारी चीजें करनी है तो ये निक उन्हीं में से एक है यहां पे हमने इतनी सारी चीजें जान ली अबाउट निक नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर आई हैव सम कैरेक्टर्स इन माय माइंड व्हिच आई शुड टेल यू देखो सबसे पहले आई टोल्ड यू अबाउट निक ओके निक है एक चैप्टर में एक है डैनियल ओके डैनियल इज ऑल्सो मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर देन वी हैव ए सिथन ओके okay? सिथन भी एक कैरेक्टर uh, है एंड लास्टली देर इज वन मोर कैरेक्टर विच नेम इज नॉर्बुल ये सारे कैरेक्टर्स आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ये हम लोग स्टोरी रीड करेंगे आप

जैसे हम लोग अपने लाइफ में वेन वी टॉक अबाउट our रिचुअल्स एंड our कस्टम्स तो हम कुछ रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करते हैं सो so, वैसे ही जो बुद्धिस्ट पीपल होते हैं या बुद्धिस्ट मंक होते हैं वो एक कोरा परफॉर्म करते हैं तो इट इज लाइक अ pilgrimage फॉर देम ये एक पिलग्रमेज है ये जैसे आप लिखते हैं कि हरिद्वार ज्यादातर सारे जने जाते हैं सिमिलरली कोरा इज अ वो दिस this थिंग this which इज रिलेटेड टू their beliefs। वो उनके बिलीफ से है और वो कौन है बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ठीक है, है है है, है, निक, निक जो वो 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 कौन है? main character है, वो विश करते हैं कि कि करेंगे, Mount Kalash. Mount Kalash जाने के लिए, उन्होंने विश किया कि मुझे जाना हासा याद रखना हर एक चीज में बताऊंगी आपको लहासा से उन्होंने स्टार्ट करा था सॉरी सॉरी लहासा तो इन बिटवीन आया है ओके लहासा केम इन बिटवीन जहां से वो रिटर्न कर जाते हैं so, यहाँ पे वी आर गोइंग टू लाइक ही हायर सितन ओके okay, सितन कौन है एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ड्राइवर है और एक गाइड है या आ, शरोपा भी कह सकते हैं शरोपा इज अ करेक्ट वर्ड आपको अच्छे से याद रखना चाहिए शरोपा कौन होते हैं शरोपा दोस्त जो उस रूट पे ऑलरेडी जा चुके हैं और वो एक गाइड की तरह या मिनटा की तरह काम करते हैं सो so, सितन यहाँ पे उनको हेल्प करेगा और उन्होंने इनका क्या क्या है उनको हायर कर लिया है टू टेक हिम टू माउंट कैलाश देन लहामो ऑफर्ड ओके लहामो ऑफर्ड हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड स्लीवल कोट एज अ पार्टिंग गिफ्ट अब जब बात यहां पे सिर्फ एक बार ही जिक्र किया है उन्होंने क्यों जिक्र यहां पे इंपॉर्टेंट है वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो उन्होंने पहने थे गर्म कपड़े डाले हुए थे वट ही हैड वो

That there are uh, some obstacles which can be faced by you. कुछ obstacles हो सकते हैं या तो फिर smooth road हो सकती है या अगर ज़्यादा ठंड पड़ गई तो बहुत ही बेकार हो सकता है। So ये सारी बोलते हैं ना warnings already, the cautions were already delivered to him by

न बी ओनली टू कंडीशन या तो बर्फ नहीं होगी बी स्मूथ बहुत सही है लेकिन अगर बर्फ गिर गई तो बहुत ही अपोजिट हो जाएगा यह सारी चीजें एंड इट इज गोइंग टू बी हार्ड फॉर देम टू गो थ्रू दैट इन एडिशन टू अजल्स अब यहाँ पे मैं गैजल्स की फोटो लेकर आई हूँ दे आर समेर सिमिलर टू एंटीलोप्स और आई कैन सेज डियर ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बट द वर्ल्ड विच इज रियल इम्पॉर्टेंट एंड कैन बी आज एज क्वेश्चन तो यहाँ पे याद रखना है गैजल्स को और शेपर्ड्स वगैरह भी दिखे थे कैरिंग फॉर देर शीप एंड दे ऑल्सो पास अक्रॉस अ टाइनी हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेज तो ये सारी चीजें उन्हें रस्ते में दिखती है वेरी इंपॉर्टेंट वट दे हैव सीन इन देयर वे इन देअर रूट क्योंकि जब हॉर आएगा और जब आएगा तब वहाँ पे परेशान हो जाएंगे निक like, uh, right totally तो इसलिए यहाँ पे आपको जहां पे जो अच्छी चीजें बताई गई है सारे पॉइंट्स मैंने इतने तरीके से लिखे हैं आपके लिए दैट यू डोंट हैव टू वरी यू जस्ट हैव टू लिसन एंड यू मेक योर की पॉइंट्स की पॉइंट्स लिख लो बस बहुत है तुम्हारे लिए

लाइक uh, एक्सपीरियंस like लोग जाते ही इसीलिए है बेसिकली कि क्योंकि वहाँ की जो रोड्स होती है वो कैसी होती, एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, है व्हीकल uh, uh, आ जाती है तो एक को बैक लेना होता है इतनी ही सी जगह होती है बिकॉज इज अस लाइक स्लोपी काइंड ऑफ तो वहां पे उनको माउंटेन्स को कट करके ही बनाना होता है सो एज वर गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वहां पे वैसे वैसे शार्प और बम और जो जो uh, जो वो आ रहे थे। इसमें एक एक और point यहां पे मैं बता देती हूं कि कि बार ऐसा भी हुआ था था को को uh, इन दोनों को उतरना पड़ा था from the, uh, जो गाड़ी थी इनके पास में, उसमें से कार में से उतरना पड़ा बिकॉज जो थे uh, sorry, सितन जो थे, सितन को टर्न uh, लेना था सो so, ऐसा कई बार ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया था उसमें से एक बार यहाँ पे बताया है एज दे रीच्ड हायर कुड फील द प्रेशर एंड नोटिस उंड टू हंड्रेड एंड टेन मीटर अब लेवल वेरी इंपॉर्टेंटेंड टू हंड टेन दो आएंगे सांस लेने में दिक्कत आना और वो सारी चीजें तो दट वॉज एट फाइव थाउजेंड टू हंड एंड टेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट हर्डल ये पहले उनकी हर्डल थीड्स वहां सारी जो रोड है

टू हैव अव इन योर माइंड देखो हम सारी जो चीजें यहाँ पे बात करेंगे सारी सारी बताई हुई दिस इज अर्फेक्ट पिक्चर फॉर यू वेन वी टॉक अबाउट जिसके बारे में बात होगी डार्चन यहाँ पे आगे आएगा जब जहां पे वो लोग विजिट करेंगे प्लेस so, ओके okay. साथ ही साथ में यू विल गेट टू नो अब दिस इज अउंट के लास्ट ये आप देख सकते हो कैसे कैंपिंग पॉइंट से आ, ये पूरा पूरा सप्लाई पॉइंट और फिर कैंपिंग पॉइंट फिर वापस से यहाँ पे डार्चुन आते हैं ये सारी प्रेयर स्क्वायर होता है जो यहाँ पे वो पगोडा नाम की जगह का हम बात कर सकते हैं फिर उस तरीके से और यहाँ पे ये यह, यहाँ से डार्चुन से इस तरीके से जाना होता है सो दिस इज लाइक स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थ्री तीन टाइप में डिवाइडेड होते हैं इनका स्टेज वन में क्या करते हैं स्टेज टू में क्या होता है और स्टेज थ्री में क्या होता है हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम हमारे चैप्टर में में भी इतना डिटेल नहीं दिया है कि किस तरीके से यहां पे पहुंचा जाता है, है, हमको भी जाना या तो ये पूरा बता दिए हैं हम आपको, रीच रीचर फर्स्ट ऑर्डल एज आई टोल्ड यू एंड इट वॉज फिल स्नो

इजीली नहीं उनको ब्रीद का होता है तो वहां पे तो बहुत ज्यादा और ज्यादा दिक्कत होती है बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है नीज नाउ पहले हमने क्या देखा था फाइव टू वन जीरो अब यहाँ पे फाइव फाइव वन फाइव दोनों याद रखना फाइव टू वन जीरो पे फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्लियर द फर्स्ट हॉर्डल और वहां पे उनको रियलाइज हो गया था इट इज द प्रेशर और यहाँ पे उन्हें फील गुड uh, नहीं था नाउ मूविंग अहेड एट फाइव फाइव वन फाइव मीटर्स अब सी लेवल दे स्टॉप अगेन तो दो जगह रुके हैं याद रखना फर्स्ट स्टॉप पिच कहाँ था फाइव टू वन जीरो पे था सेकंड स्टॉप कहाँ है फाइव फाइव वन फाइव पे है ये क्वेश्चन आता है बेटा ओके जितना बार मैं रिपीट कर रही हूँ उतनी बार आपको याद होगा दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस मेरे लिए नहीं है सिर्फ आपके लिए है बेटा ओके पे जाएंगे ना उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी वी नो दैटना फेस करना पड़ता है नाव जैसे फाइव फाइव वन फाइव मीटर्स की एल्टीट्यूड पे जब वो पहुंचे तो क्या होता है उस रोड मतलब उस जगह पे उस एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि जो पेट्रोल है वो वे, वेपराइज होने लगता है होने लगता है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है तो दे हैव टू ओपन द टैंक एज वेल उसको नहीं तो वो बस हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा आपने देखा ना कि कई बार गाड़ियां जो चलती चलती सी चलती चलती सी उसमें आग लग जाती है सो देर इज अचुएशन लाइक दैट इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि उनको जो बात करते हैं हम पेट्रोल की वो एक्सपैंड कर रहा देम नॉट टू स्मोक अराउंड इट और एज वेल एज उनको एक कॉशन भी दिया गया कि आपको यहाँ पे आसपास में स्मोक uh, नहीं करना है क्योंकि पेट्रोल का टैंक जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है सोन इन द आफ्टरनून अराउंड टू ओ क्लॉक अगेन दॉप फॉर लंच एंड प्रोटेगनिस्ट का जो हेडेक है वो चला गया यानी ऑथर uh, का जो है अब वो चला गया था क्योंकि उसको भी रिलैक्स करने को मिल गया था बाइ लेट आफ्टरनून दे रीच स्मॉल यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाउन जहां पे uh, हम बात कर रहे हैं दैट इज होर और हम जो सेकंड वाला बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेर इट इज

इट इज एन एक्सपेक्टेशन जो की बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टेशन है एंड इट इज आउट ऑफ माई रीच मैं नहीं पाऊंगा ओके दिस कार हेड ऑफ यू पंचर्स रस्ते में जो कार है उसको प्रॉब्लम हुई जैसे कि फ्लैट हो गए थे टायर्स पंचर हो गए थे वही चीज बताई है which worried सितन. सितन को, परेशानी होने लग गई की भाई अभी ये तो कार को दिक्कत होने लग गई है फ्लैट टायर्स होने लग गए प्रोटोगैन एस एट अल कैफे फॉर हॉर वाइल है ग्लास ऑफ टी ही अबल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि हॉर जो तो प्लेस उनको लगी थी वो बहुत ही मिजोरी उसको पूरा गोर वो प्लेस जहाँ पे उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया दूर दूर तक लोग भी मतलब बहुत कम थे बिकॉज इट वॉज नॉटन वेन एवरी वन गोज हो ना उन्होंने दूसरा सीजन चूज किया था नॉट द सीजन जब सब जने जाते हैं उन्होंने वो सीजन में नहीं गए थे तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो रही थी उस वजह से एंड आफ्टर अब रीच आउट ऑफ हिम एंड देर रिज्यूम देर जर्नी अगेन सो होर में उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये बताया गया है आगे चलते हैं हम देन दे कंटिन्यू देअर वॉक एंड स्पेंड द नाइट एट अ गेस्ट हाउस कहाँ पे चल चले होर के बाद में

हेल्प करने के लिए होते हैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होते हैं दिस इज डार्चन प्लेस और जो सिमिलर लाइक like होर था उनको लगा होर जो जगह है वही सिमिलर डार्चन है और यहाँ पे देखो यू कैन सी दैट इस पिक्चर में इतने वो नहीं बताया बट देर वर पाइल ऑफ uh, लाइक uh, वेस्टेजेस वेस्टेजेस के पाइल्स ढेर बने पड़े थे वहां पे और वो वहां के के लिए भी नहीं थे बट अब वो उस चीज की जो सुंदरता है दैट मीनस द ब्यूटी इट वॉज पॉइल्ड बाई द पाइल ऑफ वेस्टेज वो जो वेस्टेज है गार्बेज है उसका पाइल की वजह से सारी सुंदरता खराब हो रही थी एंड दैट्स वाई डेन फेल्टैड ना वेन ही एनकाउंटर्स नॉर्बू Norbu, अच्छा, वो, वो से कब मिलते हैं मैं बताती हूँ सो so, आफ्टर देट हैपन्ड जो सतन है सतन कहते हैं आई एम नाउ गोइंग बैक मैं uh, मेरे को बाकी सारे टूरिस्ट के साथ में जाना है एंड आई हैव टू टेक माई टूरिस्ट बिकॉज उसका बिजनेस है ये सो ही सेट दैट आई वोंट भी एबल टू गो हेड विद यू अभी वो उनको अकेले जर्नी करनी है डेनियल ने लहासा से मूव कर दिया था और यहाँ पे विद समयले टाइम में साथ दे दे ताकि जो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें या किश की बात करें कोई भी जैसे एक्सपेडेशन करते हैं तो आपके साथ में कोई ना कोई होना होता है तभी आप सारा जो है इजीली कर पाते हो इजीली भी नहीं कर पाते बट मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना होता है टू गो अप लाइक तो यहाँ पे वो एक दिन कॉफी uh, पी रहे होते हैं बुक है? पढ़ रहे हैं अच्छा, uh, है, तो दैट वी कैन लाइक एंड वी कैन है कन्वर्जेशन ओवर दै नॉर्बु को मिलते हैं वहां परिस

नॉर्बू असर्ट असर्स दैट ही वुड बी अनेबल टू डू इन ड्यू टू हिज अनॉर्मस स्टमक और फिर बाद में नॉर्बू भी मतलब उनके साथ में जर्नी करता है तो उनको भी नॉर्बू को प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बोलता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जो मेरा पेट है वो बहुत बड़ा है एंड लाइक दैट सो इट वॉज द एंड ऑफ द जर्नी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको सारे के सारे डिटेल्स में बताएं बेटा इतना डिटेल में यू वॉन्ट गेट एनी वेयर बिकॉज ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है सिल्क रोड वाला जो चैप्टर है वो लेंदी भी है साथ ही साथ में जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ना आपको

क्या वो मूव uh, हो गए थे जब उन्होंने देखा लेक मानसरोवर को ओके सो हर इज द वेरी ऑफुल एंड मिजरेबल प्लेस विद जीरो वेजिटेशन मैंने बताया वहां वेजिटेशन बिल्कुल नहीं था इट्स अ स्मॉल टाउन एट द शोर ऑफ लेक मानसरोवर लेक मानसरोवर के पास में बहुत छोटी सी जगह में था दिस वॉज अ प्लेस विद ओनली डस्ट एंड रॉक्स इज बिलीव एंड वट ही फेस देअर किसने निकने तो यहाँ पे ये नहीं था ही वॉज नॉट मूव बाई दू ऑफ द लेक मानसर ओवर क्योंकि ये कहाँ पे बताया हॉर और हॉर का नाम याद रखना क्वेश्चन आएगा बेटा डेफिनेटली

लिहासा याद रखना है दैट डैनियल वाज ऑथर्स फ्रेंड डैनियल कौन था बच्चा डैनियल जो था वो कौन था ऑथर का फ्रेंड था एंड ही ट्रेवल सम डिस्टेंस टू माउंट कैलाश विद द ऑथर एंड देन ही टुक अ लिफ्ट फ्रॉम द ट्रक ड्राइवर एंड वेंट टू लिहासा मेनी टाइम्स their कार got stuck in the snow, and Daniel, together with uh, Satan, took out the car and supported him in difficult times. So he was a good person, and he uh,

मानसरोवर एंड कैलाश ओके ये याद रखना व्हाट आर द नेम्स ऑफ फोर रिवर्स दैट लेक मानसरोवर कंसिस्ट्स ऑफ इफ यू आर एन इंडियन अ ट्रू इंडियन यू मस्ट नो कि लेक मानसरोवर जो है उसके आसपास में कौन-कौन सी रिवर्स हैं एंड इफ यू वांट तो आप ये वाला जो है वो वापस देख सकते हैं इसी के पीडीएफ में आपको मिलेगा वो जो एक डायग्राम मैंने आपको शो किया है एक मैप टाइप में उसमें भी आपको दिख जाएगा सो so, दिस इज द आंसर विच यू हैव टू गो with एंड आपको बताना है कौन सी चार रिवर्स है वैसे इस आंसर में आपको चार एक ही साथ में एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है यू कैन गिव द करेक्ट आंसर हेयर एज वेल नाउ वट वॉज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर ये कश्मीर तक जाने वाला कौन सा ओल्ड रूट था ये मुझे बताना है मैंने अंडरलाइन भी किया है यहां पर ही इसी क्लास में उसे समझाते हुए इवन मैंने अंडरलाइन किया है सो यू नो इट वेरी वेल इफ यू हैवेंट नोटिस दैट टू बैक जाओ और देखो और वापस से आंसर करो ऑप्शन आर ए ईस्ट वेस्ट हाई नॉर्थ

So on this note, I'm just requesting you again that if you haven't shared this, if you haven't liked this, please like and share this session. And if you like more sessions such that, so you comment section the comment section that in next video what you want from me, any grammar part, writing composition part or literature part only. So you can comment section me zarur se bata definitely I read the comment section and I'll do the same. And always have a happy smile on your face. Bye bye. Thank you.